गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई कुलदीप मलिक वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कुलदीप मलिक। टुडे वी विल स्टडी एडियम एंड फ्रेजेस। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेनिफिशियल है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बड़ा मजेदार अपना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना होने वाला है। प्लीज स्टे विद मी एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। तो idiom एंड phrases का मतलब पता है बेटा, idiom means होता है लोकोक्तियां, phrases means होता है मुहावरा। लोकोक्तियां और मुहावरे अपन पढ़ने वाले हैं। तो इनका एक बात, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, ये जो idiom एंड phrases हैं ये अर्थ क्या देते हैं बेटा, ये अर्थ क्या देते हैं। एक तो होता है बेटा इंप्लाइड मीनिंग, एक तो होता है इंप्लाइड मीनिंग और एक होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग प्यारे बच्चों, ये दोनों चीजें हमें जानने जरूरी है। लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग वो होता है बेटा जो शब्द लिखा हो, जो सेंटेंस लिखा हो, वो सेम जो अर्थ देता हो। जैसे कि पहली अपनी idiom है An old flame। तो flame means प्यारे बच्चों आप जानते होंगे ज्वाला होती है, old means पुरानी, तो एक पुरानी ज्वाला, ये literal meaning कहलाता है प्यारे बच्चों, ये literal meaning कहलाता है। लेकिन literal meaning शाब्दिक अर्थ, शब्दों का अर्थ क्या है, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, एक पुरानी ज्वाला। बट जो idiom एंड phrases होती हैं प्यारे बच्चों, वो शाब्दिक अर्थ न देके क्या निकालते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग देते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग मीन्स होता है भावार्थ, भावार्थ देते हैं, ये अर्थ कुछ और ही देंगे। ठीक है, तो idiom एंड phrases के बारे में आपने ये बात जान ली होगी। तो सबसे पहले अपनी जो पहली idiom है एन ओल्ड फ्लेम, इट मीन्स क्या होता है, बड़ी मजेदार बात है। एन ओल्ड लव, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पुराना प्यार। याद आ गया होगा, याद आ गया होगा किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे इन पास्ट, तो टू बी हैव इन रिलेशनशिप विद समवन इन पास्ट, इसका मतलब वो आपका ओल्ड फ्लेम। कई बार मिल जाते हैं ना आपको रास्ते में, सड़क पे, बाजार में मिल जाता है या मिल जाती है, तब आपको याद आ जाता है, सी इज माई ओल्ड फ्लेम। ठीक है, ये तो मेरा पुराना प्यार है, तो इसका मतलब होता है ओल्ड लव। ठीक है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार हुई। एट इज सेकंड अपनी idiom है बेटा, एट इज। तो ये इज मीनिंग आपने कई बार सुना है, कई बार सुना है। देखो अपन जब प्रेयर मॉर्निंग असेंबली अपनी होती है स्कूल कॉलेज के अंदर, तब आप बोलना जाता है अटेंशन स्टैंड एट इज या सिट डाउन एट इज। तो बेटा एट इज मीन्स होता है आराम से। वैसे तो यहाँ पे ये भावार्थ क्या दे रही है, भावार्थ ये दे रही है बेटा टू बी अवे फ्रॉम एंजाइटी मीन्स टेंशन फ्रॉम टेंशन, बेटा चिंता से दूर होना, अरे मजे में होना, मस्त मुल्ला जो होते हैं ना वो एट इज होते हैं भाई। यू आर लिविंग एट इज लाइफ। ठीक है भाई, आप तो ऐसी जिंदगी जी रहे हो, मजेदार जिंदगी, कोई टेंशन नहीं है, मस्त मुल्ला। कई लोग होते हैं ना अपने इंडियन क्रिकेट टीम में, एक वीरेंद्र सहवाग होते थे, ठीक है, आजकल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो बेटा वो जब भी खेलते थे उनके चेहरे पे कभी भी टेंशन नहीं होती थी, ही प्लेड ऑलवेज एट इज। ठीक है, तो टू बी अवे फ्रॉम एंजाइटी टेंशन वरीनेस, वरी चिंता जिसको बोलते हो बेटा, डिप्रेशन। ठीक है, तो थर्ड है बैक स्टेयर गॉसिप। प्यारे बच्चों बड़ी मजेदार है ये भी, बैक स्टेयर, स्टेयर्स आप सुनी होगी सीढ़ियां, गॉसिप गपशप, तो सीढ़ियों के पीछे गपशप। अब भाई बातचीत करनी है, बातें करनी है तो बेटा सामने भी होती है। ये बैक स्टेयर गॉसिप कौन होता है बेटा, ये वो लोग होते हैं जो ऑफिशियली या सबके सामने तो बातें कर नहीं सकते,
फिर वो सीढ़ियों के पीछे जाके बैठ के या वहां पे खड़े होके बात करेंगे। ये कौन होते हैं बेटा, ये किन के बीच में टॉक होती है? ये होती है बेटा टॉक अमंग सर्वेंट्स। बेटा नौकरों के बीच जो बातचीत होती है, अब देखो किसी भी होटल वगैरह के अंदर या किसी भी कंपनी में जो सर्वेंट्स होते हैं बेटा, वो जब टॉक करते हैं तो उस टॉक को बोला जाता है बैक स्टेयर गॉसिप। वो अच्छी तो बातें करेंगे नहीं, वहां बैठ के कहेंगे ये जो मैनेजर है ये ऐसा नालायक है, इसने ये घोटाला कर दिया, ये कर दिया, यानी वो जो है वो उनकी बुराइयां करेंगे। तो आप टॉक अमंग सर्वेंट्स या अनफेयरली, आप इसको लिख सकते हो बेटा अनफेयर टॉक अमंग सर्वेंट्स। ठीक है भाई, जो सर्वेंट्स के बीच में अनफेयरली टॉक होती है वो आपकी कौन सी टॉक होती है? बैक स्टेयर गॉसिप। तो द सर्वेंट्स आर डूइंग बैक स्टेयर गॉसिप रिलेटेड टू द कंपनी, रिलेटेड टू द मैनेजर। आप बोल सकते हो कि ये जो श्रमिक लोग हैं ये बैक स्टेयर गॉसिप कर रहे हैं बेटा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। I hope you are enjoying the video and I assure you this video and all my video will be very beneficial and very very crucial for you and for your competitive exams. Okay beta, main isko erase kar raha hu, ek bar screenshot lena chaho you can take the screenshot. Next jo apni idiom hai beta, next idiom hai aapki wo hai, वो है बैड ब्लड। अब देखो भाई बुरा खून, बुरा खून क्या होता है? बैड ब्लड ब्लड मींस होता है टू बी है एनिमिटी। मैं ऊपर लिख देता हूं बैड ब्लड बेटा, किसी के साथ एनिमिटी हो जाए ना, स्ट्रॉन्ग एनिमिटी, टू हैव स्ट्रॉन्ग एनिमिटी विद समवन। किसी के साथ भी आपकी शत्रुता हो जाए बेटा, कट्टर दुश्मनी जो इसको बोला जाती है, फैनाटिक फैनाटिक हॉस्टिलिटी बेटा, हॉस्टिलिटी भी एनिमिटी का आप सिनोनिम लिख सकते हो, एनिमिटी का सिनोनिम है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी शत्रुता। देखिए हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता, और हॉस्टिलिटी हॉस्पिटिलिटी इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है बेटा लुक आफ्टर, टेक केयरिंग बेटा, आपके मेहमान नवाजी जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है हॉस्पिटिलिटी। ये है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है एनिमिटी। ठीक है भाई, बैड ब्लड मीन्स होगा टू हैव स्ट्रॉन्ग एनिमिटी विद समवन। ठीक है, इंडिया किप्स बैड ब्लड विद पाकिस्तान, इंडिया किप्स बैड ब्लड विद पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इडियम है बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। ये भी बड़ी मजेदार होने वाली है अभी। बैग एंड बैगेज मींस क्या होता है बेटा? बैग, देखिए बैग बस्ता, बैगेज बैगेज, गार्बेज लगेज, आपने ये मीनिंग सुने होंगे अभी, सारे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये क्या होती है कि बैगेज आप सामान को बोलते हैं बेटा, सामान को, कि बैग और बिस्तर, बोरिया बिस्तर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? बोरिया बिस्तर हिंदी में आप बोलते हो ना, तो विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स बेटा सारे सामान के साथ। व्हेन यू वांट टू गो अब्रॉड you go there with bag and baggage, if you want to settle there permanent you go with bag and baggage। मान लीजिए कई बार आप गांव से शहर आते हैं, बहुत सारे लोग बेटा माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, शहरों से गांव में या गांव से शहरों में, तो दे कम देयर विद बैग एंड बैगेज, अपने सारे सामान के साथ, भैंस है, ऊंट है, कुत्ता है, जो कुछ भी है बेटा सारे लेके आते हैं या जाते हैं, कई बार जब वो माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक मैंने वर्ड बताया माइग्रेट, दो वन वर्ड आपको बताना चाहूंगा मैं बीच में,
एक होता है बेटा इमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेट इमिग्रेट। तो ये दो मीनिंग है बेटा, बड़े अच्छे मीनिंग है, एग्जाम्स में मोस्टली आते रहते हैं बेटा। इमिग्रेंट वो लोग होते हैं बेटा, उसके लिए बोला जाता है जो अपने देश में आते हैं फ्रॉम फॉरेन, फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से अपने देश में आते हैं उनको इमिग्रेंट बोला जाता है। और जो अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, इमिग्रेंट बोला जाता है, इमिग्रेट। ठीक है, इमिग्रेंट इमिग्रेंट। अब इसको याद कैसे करें, सब दोनों एक समान ही है अभी। तो बेटा अपन कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, वहां से मंगवाते हैं ना, तो वो इंपोर्ट करते हैं तो ये इमिग्रेंट हो गया, और अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर चला गया, ये चला गया अपने देश से और वो अपने देश में आ गया। ठीक है बेटा, बैग एंड बैगेज, आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग। नेक्स्ट चलता हूं मैं आपके सामने, नेक्स्ट है बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ। बड़ी अच्छी है भी, बड़ी अच्छी है। देखिए बेटा, बोर्न जन्म लेना विद ए सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ। बेटा कोई अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हो, इट मीन्स अरे भाई हम पैदा होते हैं। अब आप जो ही पैदा हो बेटा, आपके पिल्लो के पास आपके जो बेड है उसके ऊपर बेटा मान लीजिए गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह रखा हुआ है, आपको जो सिप करवाया जाता है मिल्क वगैरह वो भी मान लीजिए गोल्ड या सिल्वर के पोर्ट में करवाया जाता है, अरे सोने चांदी के पात्र में। इट मीन्स यू हैव बीन बोर्न इन ए रिच फैमिली। भाई एक अमीर परिवार में पैदा हुए हो आप, ठीक है, हर किसी के घर में तो सिल्वर स्पून से आपको पिलाया नहीं जाएगा मिल्क वगैरह। ठीक है, तो इसका मतलब होगा बेटा टू बी बोर्न इन ए वेल्दी फैमिली। बेटा एक अमीर परिवार में पैदा होना, भाई जो भी जो एरिस्टोक्रेट पर्संस होते हैं या इन्फेंट होते हैं, मान लीजिए अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है भाई, ठीक है, तो इसके घर में बच्चा पैदा होगा तो वो कैसे पैदा होगा, वो बोर्न होगा विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। मान लीजिए अपने नरेंद्र मोदी जी आज के दिन तो भाई एक डाइवर्स पर्सन है, मान लीजिए उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो या अभिषेक बच्चन के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे पैदा होगा, ही विल बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज इन हर माउथ। ओके बेटा, ये ऐसा भी। अगला है बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट। हाँ भी, अब देखो आप गाड़ी में आपने सफर किया होगा, ट्रेवलिंग की होगी कई बार, तो ट्रेवलिंग की है हमने, हम तो कहीं भी बैठ जाते हैं, ठीक है, जहां भी एप्रोप्रिएट प्लेस हमें मिल जाता है वहां बैठ गए। लेकिन हमने देखा होगा पूरी गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो ड्राइविंग सीट पे होता है, तो गाड़ी की सारी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये ड्राइवर ही तो होता है। अरे पूरी गाड़ी की जिम्मेवारी या हमारी लाइफ इसके हाथ में तो होती है, हमें जहां एप्रोप्रिएट प्लेस पे सर्टेन प्लेस पे पहुंचना है तो वो जिम्मेवारी किसकी होगी, अरे जो ड्राइविंग सीट पे होगा उसकी तो होगी, समय पे पहुंचाएगा या लेट पहुंचाएगा, सारी जिम्मेवारी इसकी होती है ना। अपनी जल्दी करने से जल्दी नहीं पहुंचेंगे, अपन उसको कहते हैं धीरे चला चला गाड़ी धीरे चला, तो वो धीरे भी नहीं चलाएगा। ठीक है बेटा, तो टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप लिख सकते हो टू बियर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेवारियों को सहन करना। यानी यहां देखिए बेटा बियर मीन्स आपने सुना होगा सहन करना होता है, इस बियर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बियर एक नाउन भी है। ठीक है भाई, बियर मीन्स पागल होता है,
ये बियर एक वर्ब भी है, नाउन भी है, नाउन के अलावा ये वर्ब भी है। इस बियर की सेकंड फॉर्म होती है बेटा बोर, और इसकी एक सेकंड फॉर्म होती है बोर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेटा बोर, और इसकी होती है बोर। प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखना, मैंने लिखा बोर बोर्न और बोर बोर्न। ये बियर मीन्स है जन्म लेना, ये जो बोर है ये जन्म लेना, जन्म लिया आपका जो जन्म होता है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टू बी बोर्न इन ए वेल्दी फैमिली, तो एक अमीर परिवार में पैदा होना, ये बियर मीन्स जन्म लेना होता है। और ये जब लास्ट में ई लग जाएगा इसका मतलब होता है सहन करना। आप कई बार घर में अनवांटेड पर्सन होता है बेटा, उसको सहन करते हो या नहीं करते हो? कई बच्चे अपने, कई लोग हैं अपनी पत्नी को या कई पत्नियां अपने हस्बैंड को सहन कर रही होती है ना, तो वो दे आर बियरिंग देयर स्पाउस, ठीक है भाई, तो वो सहन कर रही है बेटा, सहन कर रही है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बीट अबाउट द बुश। इसका देखिए बुश मीन्स होता है जाड़ी, बुश मीन्स क्या होता है जाड़ी, जाड़ी। बीट अबाउट द बुश। हाँ भाई, अब आप कहते हो बेटा जाड़ी के इधर उधर पीटते रहना, जाड़ी के इधर उधर पीटते रहना, यानी कई बार आपको स्कूल के अंदर या किसी ऑफिस में जब आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो तब आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाई आर यू लेट, क्या आप लेट क्यों हो? तब आप अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज नहीं होता है, मजबूत बहाना नहीं होता है, तब आप क्या कहोगे, सर मैं आ रहा था फिर वो क्या हुआ, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट आप बता दोगे, फिर वहां पुलिस आ गई, पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है आपको पकड़ के ले जाने का मतलब, यानी सही एप्रोप्रिएट जो पॉइंट है उसके ऊपर बात नहीं करना, पॉइंट है उसके ऊपर बात नहीं करना। तो इसका मतलब है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मैनर कहने का मतलब, राउंड अबाउट मतलब होता है घुमा फिरा के, राउंड अबाउट दुल्हे को भी बोला जाता है, यानी घुमा फिरा के बातें करना। सरकम लोक्वेस जो बातें होती है बेटा, सरकम लोक्वेस इसका मतलब होता है बात को गोड़ मोड़ बुला बुला जो करते रहना, मुद्दे पे नहीं आना, मुद्दे पे बात नहीं करना है, बात को उधर उधर। अब नरेंद्र मोदी से पूछ लो भाई कि सर इंडिया की जीडीपी इतने नीचे क्यों जा रही है, तो फिर नरेंद्र मोदी के पास आप सभी को पता है इसका सर्टेन आंसर नहीं है, तो वो क्या करेगा, विल स्टार्ट बीट अबाउट द बुश। वो कहने लगेगा चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इधर पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को हमारे देश में एंटर करवाना चाह रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें वो करता रहेगा। तो इट मीन्स ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, वो सर्कम लोक्वेस बातों को कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें करके बातों को गोल गोल घुमाना, ठीक है भाई। बीट ब्लैक एंड ब्लू, नेक्स्ट है बेटा बीट ब्लैक एंड ब्लू। हाँ जी, अब किसी को देखो, आपने देखा होगा कई बार किसी पर्सन के शरीर पे घावों के निशान होते हैं बेटा, वॉन्ड्स जो साइन होते हैं बेटा, तब आप देखोगे वो काले और नीले पड़ जाते हैं। तो काले और नीले क्यों पड़ते हैं, ये उसको कैसे पिटा होता है, प्यार से काइंडली, ना ना ना, कैसे पिटा होता है उसको, टू बीट मर्सीलेसली, मर्सीलेसली मीन्स क्या होता है बेटा, अनकाइंडली, अनकाइंडली, अनकाइंडली का और कुछ भी आप बता सकते हो, सेवेजली, सेवेजली का ब्रूटली, यानी पाशविक तरीके से किसी को पीटना बेटा, जो होते हैं फ्लोगिंग करना, फ्लोगिंग कोड़े वगैरह बरसाना किसी इंसान के ऊपर, तो टू बीट मर्सीलेसली निर्दयता पूर्वक, अनकाइंडली, ठीक है, ये कुछ सिनोनिम है बेटा, जो मर्सीलेस है या अनकाइंड है, सेवेजली है, ब्रूटेलिटी, ब्रूट, ब्रूट आपने कई बार वर्ड देखा होगा ये, ठीक है, बारबेरियसली
यानी पाशवी तरीके से किसी को पीटना। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी क्या है, ये होगी बीट ब्लैक एंड ब्लू, बहुत ज्यादा पीटना भी, बहुत ज्यादा पीटना। बी बैड और रोजेज लास्ट है प्यारे बच्चों, लास्ट है आपके सामने बैड और रोजेज। अब भाई मैं तो ऐसे ही भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रे करूंगा कि मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो सारे नियर एंड डियर हैं, डियर फ्रेंड्स हैं, जो मेरी वेलविश करते हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, उन सभी को फ्यूचर में मिले बैड ऑफ रोजेज। बैड ऑफ रोजेज मीन्स बेटा सारी सुविधाएं मिले, ए थिंग ऑफ है, थिंग ऑफ कंफर्टेबल, ए थिंग ऑफ कंफर्ट, बेटा आराम की चीज मिले उनको, ऐसी चीज मिले कि वो अपनी लाइफ है हैप्पीली लिव कर सके, बहुत अच्छे से जी सके, तो उनको अच्छे जो कंफर्ट आराम की उसको चीज मिल जाए। बेटा ऐसा बेड मिल जाए आपको जिसके ऊपर रोजेज फ्लोर पड़े हों, आपको पता ही है कैसा होता है वो बेड। तो प्यारे बच्चों ये मेरी आपके सामने 10 ईडियम थी, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन टेक लाइव वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, आई एश्योर यू आई विल गिव यू मोर एंड मोर बेनिफिशियल वीडियोज फॉर यूर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड जो 12th के बच्चे हैं प्यारे बच्चों, जल्द ही आपके लिए भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज स्टे विद मी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप मूविंग, लिव हैप्पीली। बाय बाय, लव यू ऑल।